नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी खास सेगमेंट न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें प्रदेश में किस तरीके से क्या अपडेट निकल के आ रही है, किस तरीके खबरें निकल के आ रही है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 14 मार्च को भोपाल में भव्य शंखनाद जो है केजरीवाल करने जा रहे हैं, आप पार्टी करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 14 मार्च को एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जाएगी जिसमें केजरीवाल और भगवत मान करेंगे जो है वे यहाँ पहुँचेंगे और चुनावी शंखनाद का ऐलान करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव, उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं अब जो है ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि केजरीवाल भोपाल में शंखनाद करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव का और यहाँ पर एक बड़ी रैली वे निकालेंगे। जिस तरीके से लगातार खबरें निकल के सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपने टिकट वितरण करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में अब जो है इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। अब वहीं दूसरी तरफ बात करें तो विधानसभा के पांचवें दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव पर भारी हंगामा हो गया, जहां पर सदन 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से विधानसभा में जो है लगातार हंगामा कांग्रेस कर रही है, विभिन्न बजट को लेकर बात की जाए या फिर अन्य किसी मुद्दों को लेकर, तो अब जो है ये 13 मार्च तक स्थगित किया गया। साथ ही अगर बात करें तो एमपी में 4 से 7 मार्च तक बारिश की संभावना जताई जा रही है, जहाँ पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जो है उसमें शामिल है जहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके साथ अगर बात करें ठंड और गर्म हवाओं के असर से मौसम भी बदल सकता है, जिस तरह मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उज्जैन महाकाल में विराट और अनुष्का ने महाकाल में भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल के आशीर्वाद लिया। साथ ही कोहली रुद्राक्ष की माला और धोती और अन्य जो है चोला पहन के वे यहाँ पर जो है दिखे। साथ ही अनुष्का साड़ी में नजर आई। इस वक्त ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के उज्जैन से आ रही, जहाँ पर कोहली और अनुष्का जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके साथ अगर बात करें तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस बार जो अपना 64वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जिस तरीके से उनके जन्मदिन को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, एक वीडियो भी जारी किया ट्विटर पर, और उन्होंने कहा कि अपने घर के आसपास जो एक पेड़ लगाएं और ना कि जो है मेरे बैनर पोस्टर लगाए जाए। अब मेरा जन्मदिन जो है इस बार कोई कार्यकर्ता और कोई नहीं मनाए, सिर्फ एक पौधा अपने घर के पास लगाएं। सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये अपील जन्मदिन को लेकर की है। साथ ही अगर बात करें तो प्रदेश में फूड एटीएम से होगा राशन वितरण, पहली मशीन भोपाल में ट्रायल के रूप में लगाई गई है, जहाँ पर अब प्रदेश में फूड एटीएम से राशन का वितरण का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह की भारी परेशानी जिस तरीके से उपभोक्ताओं को आती है, साथ ही अगर बात की जाए राशन के जो दुकान संचालक है उनको आती है, ऐसे में एक बड़ी पहल और ट्रायल पर जो है भोपाल में एक मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से भोपाल में एक और फिर कोरोना के मरीज मिला, जिसमें अगर बात करें तो जो खबरें निकल के हमारे सामने आ रही, जिस तरीके की जानकारी हमारे निकल के सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में जो कोविड काल है, कोविड को लेकर जो है एक खबर निकल गई कि वहाँ पर भोपाल में 2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में फिलहाल अभी तक जो है 13 कोरोना मरीज सक्रिय हैं। साथ ही अगर बात करें तो इसमें इंदौर में 8 है और ग्वालियर में 1 भी मरीज नहीं है। जो भी जानकारी निकल के आई है किस तरीके से भोपाल में एक और फिर कोरोना दस्तक दी। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री आज रीवा पहुंचेंगे, यहाँ पर वे मजदूर परिवारों को देंगे अनुग्रह सहायता राशि देंगे। इस तरह की जो है उनका दौरा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा है, वहाँ पर जो है हितग्राहियों को लाभ देंगे। साथ ही अगर बात करें तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो इस वक्त ये भी है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 12वीं की एग्ज़ाम चल रही है, अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है और सोशल मीडिया पर ये पेपर लीक हुआ है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, यहाँ पर 12वीं के अंग्रेजी विषय का जो पेपर लीक हो गया और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये देखा जा रहा है, ऐसे में बात की जाए तो एक सवाल बड़ा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता पर भी खड़ा होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके मध्य प्रदेश क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी है, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से विधानसभा जो सदन है वो 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने जो है अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया और ऐसी खबरें निकल आ रही है 14 मार्च को एक भव्य रैली भोपाल में करेंगे। तो ये प्रदेश की अपडेट तो जो मैंने आपको न्यूज़ रूम से बताया। इस तरह के सेगमेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।